अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो है पुलिस ने धक्का मुक्की शुरू कर दिया है। देखिए जिस तरीके से जो है अब पुलिस इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है यहाँ पर, और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके साथ नोकझोंक शुरू हो गई है। देखिए अब पुलिस जो है पूरी तरीके से महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दिया है, और आगे आने वाला समय में इससे भी बड़ा उग्र और हिंसक आंदोलन होगा। लेकिन हम अपने मांग पर कायम है, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़े। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है तमाम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो है आज पटना के जो है गांधी मैदान में विधानसभा घेराव करने के लिए जाना चाहते थे पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने समाज के लिए। जब से जाति आधारित गणना हुआ है तब से अपने जाति को अलग तेली तामुली दागी और अति पिछड़ा को अलग करने की मांग कर रहे हैं उस आरक्षण। ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में तेली के विरोध में जो है चंद्रवंशी समाज आज सड़कों पर उतरे हैं और विधानसभा में का घेराव करना जाना चाहते हैं। ऐसे में इसको लेकर लगातार रामबली चंद्रवंशी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया था कि पार्टी लाइन से हटकर ये आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत आज सड़कों पर रामबली चंद्रवंशी जो है सड़कों पर उतरे हैं, और देखिए किस तरीके से जो है चंद्रवंशी समाज को तेली तांगी और इन जातियों में शामिल कर दिया गया है, इसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आंदोलन उग्र है, काफी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है यहाँ पर, और दंगा नियंत्रण वाहन से लेकर वाटर कैनन की गाड़ियां मंगाई गई है और इन्हें बैरिकेटिंग लगाकर यहीं पर रोक दिया गया है। किस तरीके से जो है रामबली चंद्रवंशी से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो पूर्व एमएलसी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर उतरे हैं सर, लगातार आंदोलन आप पहले भी कर चुके हैं अपने समाज के लिए, इसलिए पार्टी से भी आपको निष्कासित भी किया गया। पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, विधान परिषद की सदस्यता से निष्कासित किया गया है, वह भी गलत तरीके से। जिस जाति में मैं आता हूँ उस जाति का समूह है 110 जातियों का, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, वह सबसे बड़ा ब्लॉक है बिहार में। अगर उसके लोग जग जाएंगे तो बिहार में उसकी अकेले दम पर सरकार बनेगी, लेकिन आज इसके साथ नीतीश सरकार ने छल किया है, धोखा किया है, और तीन वैसे संपन्न जातियों को तेली तमोली और डांगी को इस मूल अति पिछड़ा में जोड़ करके मूल अति पिछड़ा के हकों के साथ हकमारी किया है, इसलिए हम लोग आज उसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं और सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि समय रहते 8 साल बीत गए और अगर आपने नहीं चेता तो आगामी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए सरकार को अंतिम चेतावनी है, इसके पहले भी हम लोगों ने रथ यात्रा किया है, पद यात्रा किया है, सम्मेलन किया है, प्रदर्शन किया है, धरना किया है, और आज अंतिम रूप से हम विधानसभा घेराव के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जल्दी तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करे, और अगर बाहर नहीं करेगा तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जो आरक्षण दिया हुआ था उस एक तरह से ध्वस्त हो गया है, निरर्थक हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि समय रहते तेली तमोली दांगी को आप अविलंब बाहर करो अति पिछड़ा से, नहीं तो हम आगे भी आमरण अनशन करने के लिए या 5 करोड़ बिहार के जो वासी हैं अति पिछड़ा मूल अति पिछड़ा के 110 जाति बनाम 3 जाति की लड़ाई होगी, उस लड़ाई की जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। जिस तरह से आज सरकार आपके द्वारा पुलिस महकमों के द्वारा जिस तरह से हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ जबरदस्ती कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है, महिलाओं के साथ इज्जत का धज्जी उड़ा रही है, ऐसे पुलिस कर्मियों से ऐसे जिला के प्रशासन के लोगों से मेरा कहना है कि आपको चेतावनी देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप इन आबादी को आप मजाक में समझ रहे हो। जिस तरह से हम गांधी मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे, अभी 12:30 बजे का हमारा टाइम था प्रदर्शन शुरू करने का, प्रदर्शन भी हमने कहा था यहाँ से शांतिपूर्ण मार्च
डाकबंगला चौराहा तक जाएंगे और अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेंगे। लेकिन बीच में पुलिस की जो गुंडागर्दी हो रही है उससे हमको तरस आ रही है और तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग इस गुंडागर्दी को देख रहे हैं और आगे आने वाला समय में इससे भी बड़ा उग्र और हिंसक आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार को होगी। लेकिन हम अपने मांग पर कायम है, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, हम तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अभी तो हम लोग भी पुलिस रोका नहीं है, अभी हम लोग का टाइम नहीं हुआ है, पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि हमको रोक सके। हम 5 करोड़ लोगों को जिस दिन पुलिस रोक देगी उस दिन बिहार में विधि व्यवस्था का समस्या हो जाएगा। इसलिए आज भी मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि हम तो चाहते हैं, इसी बिहार के लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना। अगर हमारा समय होगा तो हम प्रस्थान करेंगे और उस पर हमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। चंद्रवंशी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आर पार के मूड में है, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए जो है कह सकते हैं कि चंद्रवंशी समाज जो है सड़कों पर उतर चुकी है। और देखिए किस तरीके से अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो है अपनी जाति को बचाने के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं और लगातार इन्हें पार्टी से भी जो है एमएलसी से निष्कासित भी किया गया। देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो रहा है यहाँ पर और आंदोलनकारी जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से डाकबंगला तक जाने की कोशिश में है लेकिन पुलिस ने इन्हें पटना के गांधी मैदान गोलंबर पे रोक दिया है। और देखिए किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में पुलिस जो है तैयारी में जुट चुकी है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा आंदोलनकारी को क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। और ऐसे में जो है चंद्रवंशी समाज सड़कों पर उतर चुकी है अपने समाज को बचाने के लिए। और देखिए वाटर कैनन से लेकर गंगा नियंत्रण वाहन भी बुलाया गया है और यहाँ पर आर पार के मूड में जो है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा तैयार है। और ऐसे में अब देखना होगा कि इन्हें विधानसभा तक जाने दिया जाता है या नहीं। आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया पटना।